हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का बेड टाइम रूटीन कैसे सेट करें। अक्सर ऐसे होता है कि बेबीज़ पूरी रात तो जाकर निकालते हैं और दिन भर सोते हैं। मेरी तरह कई सारे न्यू पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, लेकिन आपके बेबी को सुलाना ये आपके हाथों में है। उनको एक रूटीन सेट करके हम लोग अच्छी नींद सुला सकते हैं और हम भी अच्छी नींद सो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेबी का बेड टाइम रूटीन कैसे सेट करें। चलिए, अभी अराउंड 8:30 बज रहे हैं रात के और ये बेबी का घूटी टाइम है। इससे मैं बेबी को घूटी पिलाती हूँ, जिससे घूटी पिलाना या दवाई पिलाना बहुत ही ईजी हो जाता है। घूटी बनाने की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर रही हूँ। रात को 9:30 बजे के करीब बेबी का मसाज का टाइम हो जाता है और आप देख सकते हैं मैंने उसके मसाज की पूरी तैयारी करके रखी है। मेडिसिन देने के बाद और उसे ब्रेस्टफीड करने के बाद मैं उसे अच्छा सा मसाज देती हूँ। इसके लिए मैंने वार्म वाटर लिया है और ये वाला जो आप कपड़ा देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा हैंगी है ये, इससे मैं उसको स्पंज बाथ देती हूँ। ये मेरी मॉम ने लाया है, एकदम सॉफ्ट है ये। इसके बाद मैं उसे ये तिल के तेल से या फिर मैं कभी कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ या कभी फिगारो भी यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसे मसाज देती हूँ। और अभी थोड़ी ठंड है इसकी वजह से मैंने ये तिल का तेल लिया है और जिसे मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। मसाज देने के बाद मैं बेबी को बेड टाइम के लिए रेडी करती हूँ। उसके लिए मैं ये सारे क्लोथ्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं उसको सबसे पहले डायपर पहना देती हूँ, जो क्योंकि ठंड का सीज़न है तो इसलिए मैं क्लॉथ डायपर यूज़ करने की बजाय ये वाले डायपर यूज़ करती हूँ, जिससे गीले होने का डर नहीं रहता है। और उसके बाद मैं उसे सबसे अंदर मैं ये वेस्ट जैसा एक शर्ट पहना देती हूँ, मतलब उसको लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ ताकि अगर गर्मी हो तो कुछ कपड़े मैं उसके उतार सकूँ या उसके ऊपर थोड़े कपड़े और ऐड कर सकूं। तो मैं वेस्ट जैसा ये एक टॉप पहना टी शर्ट पहना देती हूँ उसको। उसके बाद में ये रोमपर है, उसको मैं ये रोमपर पहनाती हूँ। इसमें सॉक्स की ज़रूरत नहीं रहती है, ये फुली पैक होता है और इसके आगे से बटन्स होते हैं और एक बार पहना दो तो कोई उसे ठंड लगने का खतरा नहीं रहता, पूरी तरह से ये पैक हो जाता है। उसके बाद मैं ठंड के हिसाब से उसको स्वेटर पहनाती हूँ। जैसे कम ठंड हो तो मैं उसे हाफ़ स्लीव्स का स्वेटर पहनाती हूँ। ये हाफ़ स्लीव्स का स्वेटर घर पे बना हुआ है जो मेरी नानी ने बनाया हुआ है। और अगर ज़्यादा ठंड होती है तो मैं उसे बड़े स्वेटर पहना देती हूँ, फुल स्लीव्स वाले, और टोपी पहनाती हूँ। इसके बाद मैं उसे स्वैडल कर देती हूँ और मैं स्वैडल उसको एकदम टाइटली नहीं करती हूँ, थोड़ा हल्का सा स्वैडल करती हूँ और उसके हाथ बाहर रखती हूँ ताकि आजकल मैं उसे थोड़ा हल्का स्वैडल करती हूँ क्योंकि उसने काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं। और उसके बाद मैं ये स्वैडल करते टाइम मैं उसके हाथ हमेशा बाहर रखती हूँ क्योंकि वो अपनी उंगलियाँ मुँह में डालता है, उसे सक करता है जो उसे पसंद है। तो हल्का सा स्वैडल करती हूँ। और स्वैडल कैसे किया जाए इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं बेबी को बेड टाइम के लिए रेडी करती हूँ। मसाज के बाद बेबी एकदम फ्रेश फील करता है और उसे तुरंत नींद आ जाती है। बेबी के लिए मैंने ये बेड सेट करके रखा है, उसे मैं मच्छरदानी में सुलाती हूँ ताकि उसको मच्छर ना काटे। ये उसका राई का पिलो है जिससे उसका सिर गोल रहने में मदद होती है। उसके बाजू में मैं हमेशा एक हैंकी रखती हूँ ताकि कभी कुछ काम पड़ता है, कभी उल्टी कर देता है रात को, उस टाइम पे उसका मुँह पोछने के लिए। और ये बेबी के 2 से 3 कंबल मैं साथ में रखती हूँ, ब्लैंकेट्स, ताकि डिपेंड्स कि कितनी गर्मी है कितनी ठंडी है मैं उसमें ऐड करते जाती हूँ। मैं हमेशा बेबी को सेपरेट बेड पे और सेपरेट रज़ाई देके सुलाती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्लैंकेट्स हम नींद में उसके ऊपर डाल देते हैं तो उसको सफोकेशन हो सकता है। और उसको एकदम पास रख के सोने से भी उसको मतलब डर रहता है कि हम उसके ऊपर हमारा हाथ ना चला जाए या फिर उसे कोई चोट ना पहुँचे, इसलिए मैं उसे सेपरेट ही सुलाती हूँ और मच्छरदानी से उसे मच्छर भी नहीं काटते। और मैं उसे ज़्यादा दूर भी नहीं सुलाती ताकि जब भी कभी वो बीच कभी उसे कोई थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो तुरंत मेरी नींद खुल जाती है।
तो इसलिए मैं बेबी के लिए इस तरह से बेड अरेंज करके रखती हूँ। और अभी अराउंड 10:30 बज रहे और ये बेबी के सोने का टाइम हो गया है, वो ऑलरेडी बहुत उसे नींद आ रही है, तो उससे अभी ये सोने का वक्त हो गया है। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय। ज़रूरी नहीं कि बेबी हर बार इस रूटीन के साथ सो ही जाए, इसीलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लेने पड़ते हैं। हमें कभी उसको नींद ना आए तो उसे खेलने देना चाहिए, और जब वो थक जाए तो उसे ब्रेस्ट फीड कर देना चाहिए। हमें हमेशा रात को डिम लाइट रखना चाहिए और कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक भी हम प्ले कर सकते हैं ताकि बेबी को उस रूटीन की आदत हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस रूटीन पर हमेशा कायम रहे, और उसे इस रूटीन की आदत पड़ने के लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।